हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर इलेवन दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर जो है वही देखने वाले हैं ठीक है क्योंकि स्टूडेंट्स का ये डिमांड होता है कि मिस हमें डाइजेस्ट का प्रोवाइड करवाया क्वेश्चन आंसर इसीलिए मैं आपको डाइजेस्ट का बता रही हूँ यहाँ पे ओके सो so, इस लेसन को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है अलग अलग वीडियो में चार पार्ट में है सो आई होप कि आपने देख लिया होगा आप देख लिए होंगे तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं बहुत इजी लगने वाला है ठीक है यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखते हैं लेट्स रिकॉल व्हाट इज द नेम ऑफ द माइन्यूट कॉम्पोनेंट्स ऑफ विच द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इज़ मेड द नंबर ऑफ दीज स्मॉलेस्ट यूनिट्स द सेम इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कॉम्पोनेंट कॉल्ड सेल द नंबर ऑफ सेल्स आर डिफरेंट एंड स्पेसिफिक फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो ये सब तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स ठीक है अगर मैं आपको अगर एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अब बात करते हैं सेल के बारे में सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन इज़ द प्राइमरी करेक्ट्रिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है तो ये आपको क्या करना है ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा वर्ड्स वर्ड्स के पहले क्या आएगा यहाँ पे सो so, वर्ड्स के पहले लेटर आएगा है ना यहाँ पर देखो लिखा हुआ लेटर्स और सेंटेंस ये यहीं पे और इसके बाद ये जो है ये पर ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी बताया था द अपर फ्लो चार्ट गिव्स द स्ट्रक्चरल ऑर्गनाइजेशन ऑफ अ बुक सिमिलरली द ऑर्गनाइजेशन लेवल्स ऑफ द ये भी हमने देख लिया था कि जिस तरीके से यहाँ पर बुक का किस तरीके से डिटेल्स दिया गया है पहले लेटर आया फिर वर्ड्स फिर सेंटेंस फिर पैराग्राफ पैराग्राफ से चैप्टर्स बनता है चैप्टर से पूरा एक बुक बनता है वैसे ही सेल सेल्स से टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ टिशूज़ सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स से वही होता है टिश्यूज़ ठीक है फिर ग्रुप ऑफ़ टिश्यूज़ वो होता है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम उससे बनता है बॉडी उससे बनती है उसके बाद लिविंग बींग्स बनते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल साइंस रॉबर्ट हुक इज़ ना सिक्सटीन सिक्सटी फाइव डिस्कवर्ड सेल्स एम जे शिल्ड्रन एंड थियोडर शॉन इज एटीन एटीन थर्टी एट गेव द थियोरी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर थर्ड है रोडोल्फ विचो इन एटीन एटी फाइव स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फाउंड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो ये हिस्ट्री है सेल साइंस की ठीक है कि किन लोगों ने इसके बारे में कितना बताया क्या थियोरी दी मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स तो मेजरमेंट ऑफ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स एंड वॉन वन लियनवर्क कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन सिक्सटीन सेवेंटी थ्री फॉर द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड सेल अंडर द माइक्रोस दिस माइक्रोस्कोप ये भी हमने देखा था उसमें था cells are minute in size and can be seen only with a compound microscope the units used for measuring the sizes of cellular structure in micrometer and nanometer और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये माइक्रोमीटर नैनोमीटर मेजर किया जाता है बहुत स्मॉल होते, है है, होते हैं ये मेजरमेंट ठीक है यूनिट बहुत स्मॉल होते हैं जैसे वन सेंटीमीटर में पता है कितना छोटा होता है और वन सेंटीमीटर में होता है टेन मिली और वन मिलीमीटर में होता है थाउजेंड माइक्रोमीटर्स एंड वन माइक्रोमीटर और माइक्रॉन में होते हैं थाउजेंड नैनोमीटर्स तो समझ सकते हैं कितना छोटा होता है और वैसे ही यही उनका यूनिट होता है मापने का यही होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोब्स होते हैं उनको मेजर करने का शेप्स ऑफ द सेल्स द शेप्स ऑफ सेल्स शो ग्रिएट वेरिएशन विच इज मेनली रिलेटेड टू देअर फंक्शंस सेकेंड है सर्क्युलर रॉड शेप्ड कॉल्यूमनर स्पायरल ओवर रैक्टेंगुलर एट्सेट्रा आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल ऑब्जर्व हमने देखा था कैसे होते हैं सर्कुलर होते हैं रॉड शेप्ड होते हैं कॉल्यूमनर होते हैं स्पायरल होते हैं ओवल होते हैं ठीक है रेक्टेंगुलर होते हैं ये अलग अलग शेप होते हैं माइक्रोब्स के ना कॉम्पोनेट्स ऑफ द सेल एवरी सेल हैज मेनी सेल कॉम्पोनेंट्स विच आर स्पेसिफिक ऑफ देयर फंक्शन स्टूडेंट्स ये सारी चीजें तो जो हमने बुक में पढ़ी है वही सारी चीजें हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताया गया कि अगर मान लीजिए कि आपको पूछा गया तो आप थोड़े में ही कैसे आप डिस्क्राइब करोगे उनके बारे में कैसे बताओगे ठीक है तो यहाँ पे देखो सेल्स आर टू मेन टाइप्स नेमली प्रो क्रियोटिक्स प्रो कैरेटिक सेल्स इन माइक्रोब्स एंड यू कैरेटिक सेल्स ये किसमें होते हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या होता है सेल वॉल भी आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स देख सकते हैं आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है ये यहाँ पर दिया गया है तो आप वो देखिए सीटोप्लाज ये क्या होता है ये क्या होता है ये होता है लिक्विड पार्ट इन द सेल ठीक है जो साइटोप्लाज्म होता है मैंने डिटेल में समझाया है ओके तो ये हम आगे देखते हैं अभी सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस ओके एंडोप्लाज्मिक रेक्टी रेक्टिकुलम एंड द राइबोसोम्स अटैक्ट अटैच टू इट गोल्गी बॉडीज़ ओके इसका फिगर भी देखा था ना हमने ओके मीटोकॉन्ड्रिया होता है प्लास्टिड्स होता है ये सब क्या होते हैं लिजोम्स लिजोम्स uh, होता है वैक्यूल्स होता है ये सब हमने देखा था स्ट्रक्चर में भी देखा था और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट लॉजेस क्रोमोजोम्स ये आप देख लो टेबल चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है स्टूडेंट्स इसलिए मैं यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करूँगी जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ अगर मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन करूँगी तब तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है इससे आपको हेल्प मिल जाएगी तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना रहेगा सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग ये सेल ऑर्गेनल्स हैं और मतलब सेल में जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल में भी अलग अलग ऑर्ग ऑर्गेनल्स होते हैं ठीक है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका काम क्या होता है ठीक है और ये किस तरीके से पैकुलरिटीज़ इनका क्या काम होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ओके चलिए आगे देखते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर वट इज़ मेंट बाय माइक्रो ऑर्गनिज्म द लिविंग ऑर्गनिज्म ऑन द अर्थ विच आर ऑल अराउंड अस बट वी आर अनेबल टू सी देम आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गनिज्म दे कैन बी सीन ओनली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप सी देम आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गनिज्म दे ओके ये मैंने बता दिया आपको Categorize the following organisms into two groups according to size amoeba, paramecium, euglena, snail, elephant, pigeon, worms. तो यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से इनको टू ग्रुप्स में बांटा गया है तो देखो अमीबा पैरामीशियम यूगलिना ये सब क्या है एक तो माइक्रोस् माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक इन साइज़ है इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं ठीक है नेकेडाइज से नहीं देख सकते बट स्नेल एलिफेंट पिजन एंड वॉम्स इनको देखने के लिए क्या हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है नो ये तो बिगर एनिमल्स होते हैं इन्हें हम विदाउ मतलब कि वैसे ही नेकेडाइज के थ्रू देख सकते हैं ना ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म माइक्रो ऑर्गनिज्म आर प्रजेंट एवरीवेयर ठीक है इन द एयर वाटर सॉइल फूड सीवेज गार्बेज एंड ऑल्सो इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स ऑल्सो सम आर सॉलिट्री लिविंग सिंगली मीन्स सॉलिट्री मीन्स वो सिंगल ही रहते हैं जैसे कि अमीबा पैरामिशियम वाइल सम लिव इन कॉलोनीज लेकिन कुछ ग्रुप्स में रहते हैं कॉलोनीज में ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म सिंस माइक्रोगम ऑर्गनिज्म आर स्मॉलर दैन हंड्रेड माइक्रोमीटर्स इन साइज दे आर ऑब्जर्व ओनली अंडर माइक्रोस्कोप है ना इफ मैगनीफिश मैग्नीफिकेशन ऑफ मोर दैन थाउजेंड इंटू इज नीडेड दैन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व दो माइक्रो ऑर्गनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं ठीक है तो हम उन्हें किससे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं मैंने डिटेल में समझाया ये आपको नेचर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गनिज्म तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं यूनिसेल्यूर माइक्रो ऑर्गनिज्म होते हैं मल्टी से माइक्रो ऑगनिज्म क्या होते हैं ये सारी चीज़ें ये तो थर्ड का आंसर यहाँ तक है ठीक है ये पूरा थर्ड का ही आंसर है इसका आंसर फोर्थ का आंसर यहाँ से हो रहा है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म कैसे इनकी ग्रोथ होती है स्पेसिफिक एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन माइक्रो ऑर्गनिज़म्स फॉर्म अ थिक कवरिंग और के सीज अराउंड देम सेल्फ एंड रिमेन देखो हमने देखा था कि जो सेल होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं हार्ड थिक कवरिंग अब एक कवर कर लेते हैं अपने आप को अगर कोई एडवर्स कंडीशन होती है तो जैसे बहुत ठंडी पड़ रही है तो ताकि वो आ, उससे सेफ़ रह सकें और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो उस अपने आप को उस लेयर से अपने आप को बाहर कर लेते हैं ठीक है और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है

तो जैसे कि हमें पता है यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि कर्ट्स में बटर में बटर मिल्क में जो छाछ होता है ना और बटर आपको पता ही है चीज़ पनीर इन सब में क्या होते हैं और जो बेटर होता है इडली का जो बेटर होता है जलेबी का वो सब में ये जो हमारे लिए होते हैं ये यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्किन को टैनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं ठीक है फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया अच्छे होते हैं कुछ फ्रूट्स ग्रेन्स में भी जो मतलब कि जो फ्रूट और ग्रेन से जो अल्कोहल बनाए जाते हैं वो फर्मेंट करके बनाया जाता है और जो ब्रेड बनाया जाता है वो फ्लोर को भी फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है ठीक है और एसिटिक एसिड एंसिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड विटामिन एंटीबायोटिक्स ये सब किससे बनाए जाते हैं माइक्रोव्स से बनाए जाते हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और माइक्रोब्स जो होते हैं कुछ वो नोड्यूल्स मीनस की लिग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं जैसे चने के मटर के और तुअर के में वो रहते हैं इस तरीके से ना बताया था मैंने इस तरीके से नोडल्स में रहते हैं गांठे में रहते हैं तो वो क्या करते हैं उससे नाइट्रोजन को अब्ज़ॉर्व करते हैं और फिर वही नाइट्रोजन उस प्लांट में जाता है और फिर प्लांट्स के थ्रू हमें हमारे अंदर आता है ठीक है मतलब नाइट वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ओके तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं पहले भी और यहाँ पर भी तो आपको किस तरीके से लिखना है वो दिया हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइव पॉइंट्स हैं और इसको क्या करना है आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप स्टॉप करके वीडियो को लिख सकते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट्स और है एक पॉइंट और है तो आप उसको भी लिख सकते हो ओके अगर फाइव मार्क्स का आता है ऐसा कुछ तो आप पाँच लिखोगे तो भी बहुत है फर्मेंटेशन व्हाट इज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इनटू इट्स अनदर टाइप बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा हुआ है ठीक है किस तरीके से फर्मेंटेशन क्या करता है कार्बन कंपाउंड करता है ठीक है इसमें से रिलीज होता है फर्मेंटेशन में हीट और गैसेस क्या करते हैं ये और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इवॉल्व होते हैं ये सारी चीजें और इस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो भी मटीरियल होता है वो बढ़ जाता है जैसे आप इडली का बेटर बनाओगे ठीक है मान लो कि इडली का बेटर बनाया इतना था और जब आप फर्मेंट एक दिन के लिए छोड़ दिया उसको वैसे ही पूरी रात तो वो देखोगे इतना हो जाएगा एक दिन के लिए और छोड़ दिया तो देखोगे इतना हो जाएगा ज़्यादा इनके लिए नहीं रखना चाहिए ठीक है एक ही रात के लिए इनफ है ओके सो so, आगे देखते हैं सो तो यही है इसमें और ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है जैसे यहाँ पे लिखा गया है इडली डोसा डो जो होता है लाइक जो ब्रेड का डो तैयार करते हैं उसके लिए फ्रूट जूसेस ये सब फर्मेंट करके इसको यहाँ पे माइक्रोबियल प्रोसेस यूज़ किया जाता है और ये फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए ना एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज़ लाइक ट्यूबर यानी जो टी एक बीमारी है टाइफॉइड कॉलेरा इन सब को क्या इन सब को इन सब की जो दवाई है वैक्सीन है ठीक है या एंटीबायोटिक्स जो बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है ये कुछ अच्छे माइक्रोब्स ही होते हैं जिनका यूज़ करके वो हम वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स बायो, के थ्रू हमारे बॉडी में क्या किए जाते हैं वो उनको डाला जाता है चाहे वो दवाइयों के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू तो उससे क्या करते हैं जो अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं उनको क्या करते हैं ख़त्म करते हैं वो ठीक है और उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को भी ये दी जाती है ट्रीटमेंट ठीक है प्लांट को भी ये उनको ऐसे बीमारियां ना हो इसके लिए उनको भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और यहाँ पे जो वैक्सीन है वो दी जाती है ताकि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो सके और यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं उन जो मतलब बैड माइक्रोब्स हैं उनसे हम सेफ़ रह सकें और ये माइक्रोब्स कहाँ बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में कौन से माइक्रोब्स जो हमारे लिए वैक्सीन और मीन्स की एंटीबाइटिक्स और जो मतलब दवाइयों में जो यूज़ किए जाते हैं उनको लैब में बनाया जाता है ठीक है जैसे कि जैसे अब देखोगे तो बोला जाता है ना कि पपीते के पत्ते में ये सारी चीज़ें क्वालिटी हैं ये खूबियाँ हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए इसमें ये खूबियाँ हैं तो क्या करते हैं फिर उसका माइक्रोसो यूज़ करते हैं और अलग अलग वो सारी चीज़ें वो लेबोरेट्री में बना के बनाते हैं ठीक है प्रॉपरली ना लेट्स रिकॉल वॉट हैपन्स टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉरगॉटन इन अ लंच बॉक्स ये तो हमने पढ़ा हुआ है कैसे उसमें फंगस लग जाते हैं ब्लैक वाइट ग्रीन सब देखने को मिल जाता है हमें फूड पॉइजनिंग क्या होता है ये भी हमें पता है जो टॉक्सिन होते हैं जो कि फ़ूड को पॉइजनस कर देते हैं ठीक है और वो जब हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग like, हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से हमें अलग अलग बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है फेस करना पड़ता है लाइक लूज़ मोशन वॉमिटिंग ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इवन अगर हमने गंदे पानी पी लिए तो उससे कॉले टाइफॉइड ये सारी चीज़ें होती हैं है ना तो ये सारी चीज़ें हैं वॉट डू वी डू विद सच स्पॉइल्ड फूड वाई तो जो ये ऐसे फ़ूड होते हैं सो तो क्या करना चाहिए तो फेक ऐसे स्पॉइल्ड फूड को फेंक देना चाहिए कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कंज्यूम कर लिया खा लिया तो हमारे हेल्थ के लिए ये हार्मफुल होते हैं सो तो वी डू नॉट ईट इट ओके केयर ऑफ फूड ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसे कि हम अपने फूड को केयर कर सकते हैं मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमेशा फ़्रेश रहे इसके लिए फूड को कवर करके रखो हमेशा बॉइल्ड वाटर और क्लीन वाटर पियो कवर योर माउथ जब भी आपको छींक आया कफ़ हो तो आपको अपने माउथ और नोज़ को कवर कर लेना ताकि दूसरे इन्फेक्ट ना हो ठीक है अफेक्ट ना हो और अपने चारों तरफ कूड़े करकट ये सारी चीज़ें और जो पानी है वो एक्टिवलेट ना होने दें इकट्ठे ना होने दें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ना स्वच्छ भारत अभियान क्या है ये हमें पता है और यहाँ पे दिया हुआ है और ये चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी ना वॉट इज पैथजिंस डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथाजिस आर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज कंटेनिनेटेड विद सीवेज एंड डर्ट ये जो गंदे पानी होते हैं सीवेज गटर नाली के पानी होते हैं उसमें ये पैथजेंस होते हैं दे आर ऑल्सो इन द फूड लेफ्ट अनकवर्ड या करते हैं ये क्या करते हैं जो अनकवर्ड फूड होते हैं उसमें क्या करते हैं आके बैठते हैं ठीक है उसमें उसमें फ़ूड में आ जाते हैं और ये फूड क्या होता है फ़ूड पे जो मतलब कि मान लो कि यहाँ पे क्या है नाली वाली है गटर गट पास में ही कुछ मान लो कि यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं जैसे मतलब कुछ दुकानें हैं पानीपुरी के छोले की अब यहाँ पे मक्खियाँ आएंगी मक्खियाँ इसमें इधर उधर रहेंगी और फिर वही आके यहाँ पे बैठेंगी और वो जाके हम खाएंगे मस्त तो क्या होगा हम बीमार हो जाएंगे यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और एक बार जब कोई पेशेंट इस तरीके से मतलब कोई बीमार पड़ गया जैसे उसे हो गया कुछ मान लीजिए मलेरिया डेंगू कुछ भी हो गया तो जब कोई भी मस्कीटो उसको काटेगा और फिर दूसरे पर्सन को काट लेगा तो वो अफेक्ट हो जाए वही सेम बीमारी उसको भी हो जाएगी इन्फेक्शन के थ्रू ठीक है यही क्या है पैथजिन्स है ओके इसलिए गार्बेज ड्रेंस ट्रैगनेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी है गंदा पानी है जहाँ पे मस्कीटो हो सकते हैं ब्रीडिंग हो सकती है मस्कीटोज़ की तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि वहाँ का खाना खाएं या फिर ऐसा हम वाटर को क्या करें कलेक्ट मतलब इकट्ठे होने दें गार्बेज कूड़े करकट को हीप मतलब कि ऐसा हीप ऑफ गारबेज मतलब कि ऐसे कूड़े करकट का ढेर लगाया नदी नाली को सा मतलब कैसे करे कवर करके रखें अभी हम देखते हैं कि रोड के साइड में अभी हम, हम जाते आते हम देखते हैं कितनी बार तो ऐसे पूरा गटर खुला होता है ठीक है उस पर जो गटर है तो उस पर क्या रखा जाता है ऐसे पटरे रखे जाते हैं ना वो हट गया है टूट के अंदर चला गया है पर उसे जल्दी कोई देखने वाला नहीं है उसे कवर करने वाला नहीं है और बीमारियाँ यहीं से स्टार्ट होती हैं ओके अब यहाँ पे ये यह जो है ना इसका देखो यहाँ पे ये यह कुछ टेबल में दिया गया है कंटेमिनेटेड मीडियम एंड डिजीज़ क्या क्या होता है जैसे अनकिनस नियर वाटर बॉडी अनकवर्ड एंड स्पॉइल्ड फूड तो क्या होता है ये सारी बीमारियाँ होती हैं और यहाँ पे एयर एयर में अगर प्रॉब्लम है तो कॉमन कोल्ड ये सारी चीज़ें मतलब एयर के थ्रू में ये सारी बीमारियाँ होती हैं और मतलब बेकार खाना से और अनकवर्ड खाना से ये सारी बीमारियाँ होती हैं ठीक है, है? नियर वाटर बॉडी अगर कोई पास में वाटर बॉडी है गटर वटर कुछ भी है और कुछ भी है जैसे जहाँ पे वहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो और वो वहाँ के खाना वाना खाने से या फिर बेकार खाना खाने से स्पॉइल फूड खाने से ये बीमारियाँ होंगी एयर पोल्यूटेड है तो ये बीमारियाँ होंगी ठीक है और बाइट ऑफ मस्कीटो से ये बीमारियाँ होंगी ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं मैं बार बार बता रही हूँ इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फ़ीवर क्या है नॉर्मल बॉडी से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है थर्टी डिग्री हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है लेकिन जब बीमारी होती है तो हमें क्या होता है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे अंदर के जो गुड बैक्टीरिया है, वो बैड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं इस मामले में क्या होता है, कि अंदर हमारा जो मतलब बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, है. आंसर okay? पहला का देखो यहां पे है अगर आपको ये इग्नोर करना है मतलब कि जो पेंसिल से लिखा हुआ है तो आप आंसर यहां पे देखो पहले का दूसरे का सब है गार्बेज इज कन्वर्टेड इन टू फर्टिलइज़र्स थर्ड का क्या होगा इन द सेल फोटोसिंथेसिस कैरिडी यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो सारे आंसर इसके यहाँ पे दिए हुए हैं देख लो आप ठीक है पेंसिल से भी लिखा हुआ है अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है सो डोंट वरी यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं कितने आंसर्स कितने क्वेश्चन हैं टेन टेन आंसर्स यहाँ पे देख रहे हैं दसवां का क्या है रेस्परेटरी ट्रैक ओके सो नेक्स्ट क्या है ये हम देख रहे हैं ये क्या है मैच द कॉलम और आप देख सकते हो मैच भी किया हुआ है और प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है मीठोकॉन्ड्रिया ये किस में आएगा मीठोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल ये क्या होता है पावर मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को ठीक है तो ये किस में आएगा यहाँ पे आएगा और सेकेंड क्या है लिजोम्स तो ये किस में आएगा लिजोम्स में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ठीक है तो ये यहाँ पे किया हुआ है किया भी है आंसर भी है तो आप कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीन कर ले लो और वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो अपना लिख सकते हो आराम से और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दिया है, हुआ है मैच द तो कॉलम्स तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे पैरामीशियम है ठीक है पैरामीशियम अबाउट हंड्रेड माइक्रोमीटर्स पैरामीशियम अबाउट इसमें आएगा बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड तो वन टू थ्री माइक्रोमीटर्स ओके पोलियो वायरस तो ये क्या है ट्वेंटी एट नैनोमीटर होता है मतलब यहाँ पे इसका बताया गया कि कौन सा जो बैक्टीरिया वो कितना बड़ा होता है तो पोलियो वायरस कितना बड़ा होता है ट्वेंटी एट नैनोमीटर बहुत ही छोटा यहाँ पे और सम माइक्रोब्स लेस देन हंड्रेड माइक्रोमीटर्स येलो फीवर यहाँ पे देखो येलो फीवर बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो यहाँ पे आएगा निमोनिया ये कैसे होता है इन्फेक्शन ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर इसमें जाएगा कॉलेरा तो यहाँ पे बच्चों आंसर दिया हुआ है देख लो आप सेल एंड एनिमल सेल तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने को बोला गया है डिस्ट मतलब कि डिस्टिंगशन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल तो दोनों के बीच में बताना है आप देख सकते हो ये यहाँ पे दिया हुआ है एट पॉइंट्स दिए गए हैं प्रो सेल एंड यू सेल दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है ये भी आप देख लो स्क्रीन ले लो स्टॉप करके भी लिख सकते हो वॉट इज अ सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड अ सेल नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेस इन अ सेल तो देख सकते हो आप अलग अलग ऑर्गनेल्स हैं पहले भी देख चुके हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब यूज़ होता है जब हंड्रेड हंड्रेड uh, से भी छोटे होते हैं ठीक है साइज में तो वॉट आर माइक्रो ऑर्गनिजम्स यहाँ पर दिया हुआ है अब देख लो बार बार तो ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में विच आर द डिफरेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म तो ये देख रहे हैं हम हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन तो लुई पास्चर ये हमें पता है हु फॉर्मुलेटेड द थियोरी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर आंसर देख लो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों काफ़ी बड़े बड़े आंसर यहाँ पे हैं स्क्रीन शॉट ले लो आप ठीक है एक्सप्लन द यूजेज़ द हार्मुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोव ये हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गनिज़म के क्या मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गे हार्मुल इफेक्ट जो हैं ये यहाँ पे देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप काफ़ी लेंदी आंसर्स हैं तो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा आप स्क्रीन शॉट ले लो बेटर है और ये रहा डायग्राम आपको बनाने के लिए आपकी बुक में भी दिया गया है ठीक है तो ये अच्छे से बनाना सीख लो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है प्लांट सेल एनिमल सेल ये सारी चीज़ें ठीक है डिस्क्राइब प्रोक्रेटिक सेल ये रहा बुक में भी दिया गया है यहाँ पे और भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे जो कि आपके टेक्स्ट बुक के हैं ये सारे क्वेश्चनस ठीक है यहाँ पर सारे क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक के हैं ठीक है जो आपको यूज योर ब्रेन पावर ये सारे क्वेश्चंस थे ना ये सब उसी में से है वाइज यो गट मिक्सड इन द बेटर और डो ये क्योंकि जल्दी फर्मेंट होता है क्योंकि उसमें यूजफुल बैक्टीरिया होता है सारे क्वेश्चन बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक का है जो हम मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसमें सारे क्वेश्चन थे ना वही सब है देखो यहाँ पे स्क्रीन ले लीजिए सारे क्वेश्चन हो गए बता दिया मैंने आपको कोई डाउट है कमेंट सेशन पूछिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए वीडियो लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए उनको भी बोलिए अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ओके